हम मोबाइल देकर मजाक करना चाहते हैं? सार्वजनिक वित्त, पहले रोटी, फिर स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, उसके बाद में ये सब चीजें आती हैं, मोबाइल। ये कौन बोल रहे हैं? अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। मैं उससे निवेदन करूंगी जी, जी। कि मिलियंस ऑफ टन यानी लाखों टन अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गायब हो जाता है। हाँ। आप पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं कि अगर सार्वजनिक वितरण ठीक से लागू हो जाए, प्रदेश सरकारें कर दे, प्रशासन कर दे, तो जो आप कह रहे हैं व्यवस्था, ये कभी नहीं होगी जी। और राशन कार्ड बनाकर गरीब को अनाज देना, और केंद्र सरकार अगली योजना है जी कि 2-3 रुपए किलो अनाज, 30 किलो अनाज हर परिवार को मिले। ठीक है रीता जी, रीता जी, रीता जी, आपके आपके मित्र कहें या आपके जानने वाले कहें, हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। वाजपेयी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पेट में नहीं है दाने, सरकार देगी मोबाइल फोन और लोग सुनेंगे गाने। भाई वाह, ये तो गजब की चीज हो गई। मेरा तो सीधे सीधे आरोप ये है कि टेलीकॉम कंपनियों का जो 2G स्कैम घोटाला था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण पैसे वापस करने पड़े सरकार को जी, उस समय जो कुछ ऑब्लिगेशन लिए होंगे कंपनियों से सरकार ने जी, उसको उतारने के लिए ये 7,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। ठीक है, मेरा दूसरा कहना ये है कि जब एक तरफ इसी सरकार का योजना आयोग 32 रुपए की प्रतिदिन की आमदनी वाले को खाने योग्य गरीब नहीं मान रहा था शहर में, 26 रुपए गांव में, तब ऐसे में मोबाइल देकर शायद मैं समझता हूं कि उस गरीब का मजाक उड़ाने के अलावा इस सरकार और कुछ करने नहीं जा रही है जी। मेरा ये भी मानना है कि केवल वोट के लिए 7,000 करोड़ रुपए को पानी में बहाना, इससे तो अच्छा होता कि 7,000 करोड़ रुपए से जो अनाज हमारा सड़ रहा है गोदामों में पड़ा हुआ या जो भीग रहा है, उस अनाज को हम पैसा सरकारी कोष में जमा करके उसका वितरण मुफ्त कर देते हैं गरीबों में जी। तो 4-6 महीने की रोटी का इंतजाम उस गरीब बीपीएल कार्ड धारक के परिवार में हो जाता जी। और इसके अतिरिक्त अगर सरकार उन गरीबों की बस्तियों में पानी की शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है अभी तक, ये इंडिया मार्क 2 हैंडपंप अभी तक उन बस्तियों को नसीब नहीं है, अगर सर्वे करके सरकार उनको शुद्ध पेयजल और इस प्रकार से गेहूं उसको करा देती तो शायद होता। मैं अभी सुन रहा था सत्यव्रत चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बीपीएल कार्ड धारक को उसका बैंक अकाउंट की जानकारी मैं मोबाइल के माध्यम से आसानी होगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीपीएल कार्ड धारक के बैंक अकाउंट होंगे, ये क्या उनके साथ मजाक नहीं कर रहे क्या जी? वाजपेयी जी, इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में ऐसे ऐसे गांव हैं जिनमें लोगों ने अभी तक 4 पहिया की गाड़ी नहीं देखी, उनको हम मोबाइल और शेयर मार्केट समझाएंगे, बैंक का स्टेटमेंट भेजेंगे? नहीं, मैं तो दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, गांव में भी बिजली नहीं है घरों में, वहां पर उनके प्लग पॉइंट नहीं होंगे, चार्ज कैसे करेंगे? क्या चार्ज कांग्रेस के दफ्तर में जाकर करेंगे या यूपीए सरकार के दफ्तर में जाकर करेंगे? सरकार डीएनसी और इस बात की व्यवस्था करेगी, कचहरी में लगाएगी कि चार्जिंग वहां करके लाया करो, तो आदमी अपनी रोजी कमाने जाएगा या चार्जिंग करने? नहीं, वाजपेयी जी, मेरा एक दूसरा कहना है, क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो मोबाइल फोन दे रहे हैं, इन मोबाइल फोनों में क्या इन 3 लोगों के नंबर भी पहले से सेव करके रखे जाएंगे क्या, कि अगर आप बीमार हैं या आप भूख से मर रहे हैं या आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है या आप जो है बीमारी से मर रहे हैं तो कृपया हम 3 को फोन करके बताइए, क्या ये मोबाइल स्कैम भी आएंगे क्या? नहीं नहीं, वो तो करना का असंभव बात है, इसका मोबाइल सुनेंगे। मैं तो दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मोबाइल फोन दे रहे हैं, साहब रोटी क्यों नहीं दे सकते? मोबाइल सस्ती रोटी आएगी? बिल्कुल, इधर रोटी व्यवस्था करनी चाहिए उसकी, उसको 4-6 महीने का राशन देना चाहिए, कुछ इस प्रकार से करें जो सुनिश्चित हो जाए कि उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे कितनी भी विपरीत परिस्थिति में, बजाय इसके। और उसके बाद अगर 200 रुपए से ऊपर खर्चा बढ़ गया उसका मोबाइल का, मोबाइल आने के बाद खर्चा बढ़ सकता है,
तो फिर उसके ऊपर प्रतिमाह खर्च का भार डाल रहे हैं आप जी। ये तो वो उचित नहीं कर रही है सरकार जी। रीता बोगड़ा जोशी जी, रीता बोगड़ा जोशी के पास चलेंगे। रीता जी आप हमारे साथ हैं? रीता जी हमारे साथ नहीं है। देखिए अतुल जी, बड़ी हैरानी, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो अनाज जिसकी व्यवस्था आप नहीं कर पाते, देख रेख हिफाजत नहीं कर पाते, इसको गरीबों में मुफ्त क्यों नहीं बांट देते, तो केंद्र सरकार ने ऑब्जेक्शन रेज किया। उसने कहा नहीं जी, अनाज हम मुफ्त में नहीं बांट सकते, भले ही हम इसकी देख रेख करने में अक्षम हो, भले ही हम तंबू कनाज खरीद घोटाले में शामिल हो जाएं, उसको त्रिपाल खरीद घोटाले में, लेकिन हम गरीब को नहीं देंगे। हाँ। गरीब अपनी साइकिल पर रख के एक बोरी ले जाए 25 किलो की, ये हमको मंजूर नहीं। ये चरित्र है सरकारों का, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। हाँ। और मुझे याद है लखीमपुर खीरी में एक किसान, एक गरीब व्यक्ति ने वहां से अनाज चुराने की जरूरत की, तो उसको इतनी लठियाई गया, इतना मार खाया बेचारा वो, कि अधमरा होकर अस्पताल पहुंच गया। वाजपेयी जी जी जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, केंद्र की सरकार को उत्तर प्रदेश में नेपाल के सरकार पानी छोड़े जाने वाले पानी के कारण सीतापुर में आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है वाजपेयी जी। मैं दोबारा से आपके पास आता हूँ। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, जब से चुनाव लड़े हैं लगातार जीतते ही जा रहे हैं, लोगों में इनके लिए गहरी आस्था है जिस क्षेत्र से आते हैं। प्रमोद तिवारी जी बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। प्रमोद तिवारी जी, ये सूचना का जो प्रजातांत्रिकरण है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन है, इसमें अब हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बीपीएल के लोगों को भी, अच्छी चीज है ये। हेलो जी, अच्छी चीज है मैं कह रहा हूँ ये। तिवारी जी आवाज आ रही है? हेलो जी, तिवारी जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, प्रमोद तिवारी जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? अब मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि सूचना के प्रजातांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन के इस महान युग में अब बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के पास भी मोबाइल फोन आ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। क्रांति बड़ा कदम है। हाँ। और इसके साथ वो लोग भी जुड़ जाएंगे जो संचार क्रांति देखते रहे, सुनते रहे, अब उससे सहभागी हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन तिवारी जी मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आती कि जो 26 रुपए प्रतिदिन पर गांव में बसने वाला रईस है, वो मोबाइल फोन अगर लेगा तो क्या रोटी ना लेगा? जहां पर किसान भूख से मर रहे हों, वहां पर पहले रोटी, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, सड़क, बिजली देना इंपॉर्टेंट है या सूचना क्रांति का झुंझुना? तिवारी जी देखिए, हर महत्वपूर्ण सवाल पे नेताओं की लाइन कट जाती है और शायद ये इस देश का ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य है। राजेश त्रिपाठी जी, सही कह रहा हूं मैं? अरे जनता से तो आज तक इनकी लाइन जुड़ी नहीं नेताओं की, इस देश में मुश्किल तो यही है। नहीं देखिए, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आई, वो निश्चित रूप से जिस तरह से मिड डे योजना इन्होंने खिचड़ी खिलाने की जो व्यवस्था शुरू कराई, उसकी दशा आप देख रहे हैं। जिस तरह से इनको इस तरह की तमाम मनरेगा की जो योजना इनकी चली है रोजगार के नाम पर, उसकी दशा भी, सच्चाई जो जमीनी हकीकत है वो भयावह है। ये केवल चुनाव को देखते हुए ये सारी योजनाएं उनकी आ रही हैं। केवल इनका ये है कि किसी तरीके से जिस महंगाई की मार बट रही है, मैं आपकी शुरुआती जब एंकरिंग हो रही थी तो मैं ध्यान आपका मैं आपकी बात से सहमत हूं कि चुनाव आए तो उस समय कुछ ऐसे लालीपाप दिए जाए ताकि लोग जो है उसे संतुष्ट हो। बिल्कुल आपकी बात सही है कि रोटी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, साथ में मान और सम्मान चाहिए, उसके बाद फिर मोबाइल और लैपटॉप की बात नहीं। सही बात है, मान सम्मान का ठेका तो बीएसपी ने ले लिया है, वैसे ही पत्थर बहुत लगाए जा रहे हैं। मान सम्मान नहीं, नहीं, मैं मुद्दा कल की तरह नहीं छेड़ना चाहता, मैं मुद्दा कल की तरह नहीं छेड़ना चाहता, आम जनता क्या कहती है वो सुन लेते हैं, उसका ठेका मुझे पता आप लोगों ने ले रखा है, बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, आम जनता क्या कहती है आज के मुद्दे पर वो देख लेते हैं। खाने के लिए नहीं है, ठीक है, तो पहले उनको खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जाएं, प्रॉपर उनको रहने के लिए अकोमोडेशन दिए जाएं, उसके बाद ही कुछ चीजें फर्दर सोचनी चाहिए सरकार को। मोबाइल तो बिल्कुल जस्ट स्टुपिडिटी आई थिंक। ये सरकार बेवकूफ बना रही है,
लोगों को मोबाइल दे ना दे, हम चाहते हैं उन्हें अनाज दे। जो बीपीएल कार्डों में हमने देखा है कि राशनों में राशन नहीं है और मोबाइल का को चाहते हैं क्या, जब खाने को पेट में नहीं जाएगा तो मोबाइल से क्या करेंगे वो? मोबाइल से क्या लेना, हमने रोजगार मिलना चाहिए हमें, मोबाइल का चाटना हमने, ये बताइए आप मोबाइल का क्या करेंगे हम? मिट्टी का तेल तक तो बंद कर दिया है केंद्र सरकार ने, बीपीएल को मोबाइल देके क्या फायदा, पेट मोबाइल थोड़ी ना भरता है, रोजगार बढ़ता है, रोजगार दे गरीब आदमी को। अमिताभ जी, मैं दोपहर में आपसे बात कर रहा था जब इस मुद्दे पर, तब आपने कहा था कि वो कटोरी वाली बात कही थी कि क्या गर्म पानी में मोबाइल फोन घोल के दाल बनाई जा सकती है, वो मैं चाहता हूँ जरा बताएं। मैं हैरान हूँ कि प्राथमिकताएं कैसी तय करनी, कैसा चश्मा लगा लेते हैं लोग जब हुकूमत में आते हैं। देश की तासीर का कोई अंदाज नहीं, इस देश की गरीबी, गुर्बत, तकलीफ, तंगहाली, बदहाली जो आम जनता झेल रही है उसका कोई अंदाज नहीं। गरीब आदमी, उसके साथ आप कितना भद्दा मजाक कर सकते हैं, वो उस पर बैठ के गाना सुनेगा क्या करेगा? और मैं मनरेगा की तारीफ तब भी करता हूं, तमाम घपला घोटाला हुआ होगा लेकिन फिर भी अच्छी योजना, आजाद भारत की कुछ अच्छी योजनाओं में मैं उसको शुमार करता हूं, उसका क्रेडिट भी देता हूं, लेकिन इस तथ्य से सहमत नहीं हो सकता। यह प्राथमिकता का निर्धारण नहीं हो सकता कि रोटी, पानी, बिजली, आवास, सड़क और जान माल की हिफाजत, इनसे पहले ना तो मुझे पत्थर लगाना मंजूर था, ना मुझे मोबाइल का झुंझुना पकड़ाना मंजूर है। और मैं अभी एक चीज आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले अतुल जी कांग्रेस के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी से मेरी बात हो रही थी, बात तो अनौपचारिक थी लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने मिसेस गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उन्होंने इस बताया कि समाजवादी पार्टी इसलिए जीती क्योंकि उसने तात्कालिक तौर पर जनता को कुछ देने का शगुफा छोड़ा, लैपटॉप और टैबलेट और बेरोजगारी भत्ता। तो उन्होंने रिकमेंड किया था मिसेस गांधी को कि हमको भी 2014 में जाने से पहले कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट बांट देना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये रिटर्न गिफ्ट बांटने वाली प्रक्रिया समझ में आ रही है जी। और जाहिर तौर पे यह फैसला अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, ये आम लोगों के साथ भद्दा मजाक है। बुंदेलखंड समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जो किसान भूख से मर रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य नहीं है, जहां पर खाना नहीं है, जहां पर बिजली पानी नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, वहां पर आप मोबाइल फोन दे रहे हैं। अतुल जी, इस देश में जहां लोग गाय और भैंस के गोबर से अनाज के दाने निकाल के खा रहे हैं आज 2012 में जी, उस देश में आप कैसा मजाक करेंगे? जाहिर तौर पे। और बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब इंग्लैंड का जो आपने उदाहरण दिया बिल्कुल सही उदाहरण था कि आप जब ब्रेड मांगते हैं तो ऊपर से कहा जाता है कि अरे तो ब्रेड क्यों खा रहे हैं जी, केक क्यों नहीं खा रहे? शायद हमारी केंद्र सरकार की जो नियत है, जो चश्मा है, जो समझ है, वो ऐसे ही हो गई है कि अगर आदमी भूख से मर रहा है तो भूख से क्यों मर रहा है जी, अच्छा खाना क्यों नहीं खा लेता? इस तरह के जो विचार हैं वो इस देश का कितना भला करेंगे, ये हमको और आपको गंभीरता से, ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तर प्रदेश में किस तरह से सियासत जारी है नाम बदलने को लेकर, और वो जो सियासत है वो दिल्ली दरबार तक पहुंची और दिल्ली दरबार में भी हंगामा हो रहा है। आप दोनों मसल में रहेंगे, तुरंत लौट के आते हैं। अब बीपीएल घरों में भी घन घनाएगी रिंगटोन, क्योंकि हर हाथ में होगा मोबाइल फोन। वोट की राजनीति में नया शिगुफा, मोबाइल दिलाएगा वोट, मिशन 2014 मोबाइल पॉलिटिक्स। जोड़ी सही होनी चाहिए जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। आइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिसपे देश करे भरोसा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ, फिर जो प्यास लगेगी वो लिपका से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ लिपका।
नामों को लेकर सियासत जारी है। मायावती ने संसद में उठाए सवाल, उत्तर प्रदेश में क्यों बदले गए जिलों और अंबेडकर पार्क के नाम। कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाए सनसनीखेज आरोप, कहा गेहूं क्रय केंद्रों के घोटाले के पैसे से मौर्य ने खरीदी चुनाव।